हेलो दोस्तों, मैं सूरज सर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में आपको ऑलवेज एजुकेशन रिलेटेड अपडेट मिलते हैं। दोस्तों आज ये अपडेट है कि मुंबई यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट थे इनको कन्फ्यूजन था कि इनका एग्जाम कब है, साथ ही साथ एग्जाम ऑनलाइन है कि ऑफलाइन, तो आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों जैसे कि इस वक्त आप इस स्क्रीन पे देख रहे होगे कि आपके सामने मुंबई यूनिवर्सिटी के तरफ से दिया हुआ सर्कुलर है जो सीबीएसई पैटर्न के स्टूडेंट जो सेमिस्टर पैटर्न है उनके लिए है। दोस्तों इधर देख सकते हो कि एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है, कब से है, सेम वन FYBA फ्रेशर और रिपीटर, सेम वन FYBCOM फ्रेशर एंड रिपीटर, सेम वन FYBCOM ATKT एंड फ्रेशर स्टूडेंट, इन तीनों के एग्जाम 29 मार्च से है। मॉर्निंग सेक्शन है, टाइमिंग जो है सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक का टाइम है। दोस्तों अगर मैं यही सेमिस्टर पैटर्न की बात करूं, FYBA FYBCOM इन दोनों की बात करूं, रिपीटर की FYBA और FYBCOM के रिपीटर ये सेम टू के स्टूडेंट, इनका भी एग्जाम 29 मार्च से है। लेकिन अगर मैं सेम थर्ड की बात करूं, FYBA और FYBCOM ओनली फ्रेशर जो स्टूडेंट है उनका एग्जाम 30 मार्च से है। मॉर्निंग सेक्शन है, टाइमिंग सेम है 9 बजे से लेके 1 बजे के बीच में। अब बात कर लेते कि एग्जाम कैसे होने वाला है, ऑनलाइन होने वाला है या ऑफलाइन होने वाला है। तो दोस्तों ये देखिए जुलाई सेशन के जो स्टूडेंट है ये उनका टाइम टेबल है, और जो आप लोगों का दोस्तों एग्जाम मुंबई यूनिवर्सिटी कोर्स कंडक्ट करने वाला है, ये एग्जाम होने वाला है आप लोगों का ऑनलाइन, और आप लोगों का मॉक टेस्ट भी ऑनलाइन ही होगा। देखिए दोस्तों इधर आईडियल विल बी कंडक्टेड एग्जामिनेशन फॉर और अबाउट कोर्स थ्रू आउट ऑनलाइन मोड। दोस्तों एग्जाम कैसे होने वाला है, ऑनलाइन मोड में होने वाला है। अगर आपके एग्जाम की टाइम टेबल की बात करूं तो ये जो डेट आया हुआ है टाइम टेबल आपका जल्द से जल्द इस वेबसाइट पे आ जाएगा। और अगर आपको दोस्तों टाइम टेबल चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको टाइम टेबल भी इस चैनल पे मिल जाएगा। दोस्तों और भी कोर्स का टाइम डेट ऑफ एग्जामिनेशन आ चुका है, मैं आपको बताता हूँ। देन दोस्तों आपका हॉल टिकट जो दोस्तों है आपके एग्जाम के 4 दिन पहले मिल जाएगा, और आपका जो मॉक टेस्ट होने वाला है वो आपके एग्जाम के 3 दिन पहले ऑनलाइन तरीके से ले लिए जाएंगे। अब दोस्तों मैं अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट की बात करूं तो दोस्तों MA सेमिस्टर वन फ्रेशर स्टूडेंट इनका भी 29 से एग्जाम है, MA एजुकेशन फ्रेशर स्टूडेंट इनका भी 29 मार्च से ही एग्जाम है, MA ज्योग्राफी फ्रेशर इनका भी 29 से ही एग्जाम है, सेम वन के सभी स्टूडेंट, सेम वन MCOM फ्रेशर इनका भी 29 मार्च से एग्जाम है। मॉर्निंग सेक्शन है 9 to 1 PM। देन PGDFM के जो स्टूडेंट है इनका भी सेमिस्टर वन फ्रेशर और रिपीटर, इनका भी एग्जाम जो दोस्तों है वो 29 से है, और PGDFM सेम टू के रिपीटर स्टूडेंट का भी एग्जाम 29 से है, PGDORM सेम वन ठीक है रिपीटर और सेम टू के रिपीटर स्टूडेंट इनका भी एग्जाम 29 से ही है, सेम वन MMS के जो फ्रेशर स्टूडेंट है इनका डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, बहुत ही जल्द आ जाएगा। और ये जो नीचे वाला है सेम जो मैंने आप लोगों को इधर अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के लिए बताया था, सेम गाइडलाइन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कि आपका हॉल टिकट एग्जाम के 4 दिन पहले आएगा, आपका मॉक टेस्ट ऑनलाइन तरीके से होगा जो 3 दिन पहले होगा, और आपका ये जो एग्जाम है ये ऑनलाइन मोड में होने वाला है, और आपका टाइम टेबल जल्द से जल्द नोटिस पे दिया जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इंतजार किसका दोस्तों, लाइक कीजिए वीडियो को। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं डेडिकेटेड एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।